यार अंदरून लाहौर के घर चेक करो, कितनी पुरानी इमारतें हैं। ज़रा मैं स्टॉप खड़ा होकर बताता हूँ आपको, ये चेक करो ज़रा यार। लाइक इतने पुराने आर्किटेक्चर हैं और अभी तक रेजिडेंशल हैं, लोग रह रहे हैं इनमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। प्रोबेबली इट्स माई लास्ट डे इन लाहौर। तो मैं ज़रा अभी ये गलियों से निकल के, अंदरून की गलियों से निकल के, मैंने भी यहाँ से जाना है जायज़ कैश निकलवाना, जायज़ कैश निकलवा के उसके बाद मैं जा रहा हूँ बाज़ार कुछ देखूँ। मैंने कहा शॉपिंग वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ वापसी के लिए। मेरा एक फ्रेंड है वो हिमर खान से ना, वो जायज़ कैश दुकान, ये तो ईजी हो गया, पास ही मिल गई। तो मैं कहता मेरा एक दोस्त है वो हिमर खान से, ठीक है, तो मैं उसके साथ ही जो है ना वापस जा रहा हूँ फैसल मूवर्स की। हमारी टिकट डन हो गई है, इंशाल्लाह 1 बजे तक पहुँचना, टाइम तकरीबन 10:30 हो गया। जल्दी जल्दी से शॉपिंग भी करनी है और वहाँ पे पहुँचना भी। अभी से गर्मी लगना स्टार्ट हो गया लाहौर में, कोई बारिश वारिश कोई सीन नहीं है। धूप निकली हुई है, चेक करो, बड़ी तेज़ धूप, बहुत तेज़ निकली हुई है। और मैं जैसे कश्मीर करवा के आ गया हूँ, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से, बाज़ार है इनका वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ से फिर मैं, यार मेरे ना पाँव में ना कल चोट लग गई बहुत ज़्यादा, इंतहा ज़्यादा, उसने चला भी सही तरीके से नहीं जा रहा। बट अब मैं इधर लाहौर आया हूँ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह का भी पहले से ही प्लान था मेरा, तो मैंने कहा शॉपिंग भी करनी है तो चलते हैं। वो पाँव पे ना मेरे घर में मैं लैपटॉप रखने गया हूँ तो वो कोई चीज़ सी थी, वो लगी है बहुत ज़ोर के, तो बस वो तड़ा निकाल दिए मेरे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है यार। अंदरून लाहौर के घर चेक करो, कितनी पुरानी इमारतें हैं। ज़रा मैं स्टॉप खड़ा होकर बताता हूँ आपको, ये चेक करो ज़रा यार। लाइक इतने पुराने आर्किटेक्चर हैं और अभी तक रेजिडेंशल हैं, लोग रह रहे हैं इनमें, पूरी पूरी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। ये चेक करो ज़रा यार। बस ये है कि अंदरून लाहौर की अपनी चस है। एनीवेज बैरिया भी घूमे, एलीट क्लास इलाके भी घूमे हैं, बट अंदरून अंदरून है। यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है, वहाँ का जो जायका है और यहाँ का जो भी सीन है ना, बहुत लेवल है। अब आप ये चेक करो, ये बिल्डिंग चेक करो कितनी पुरानी है यार, ठीक है। तो आवाम अभी भी इनमें रह रही है। पहली गलती मैंने ये टी शर्ट पहन ली है, ठीक है, पहली गलती मुझसे ये हुई है। लाइक मतलब गर्मी इंतहा की है और मेरे मतलब बाजू में भी फुल पसीना आया हुआ है, ठीक है। दूसरी गलती तो नहीं, खैर एनीवेज वो भी प्रोटेक्शन के लिए था, बट मैंने सन ब्लॉक लगाया था, उससे पसीना इंतहा का आ रहा है और मेरी शक्ल बिगड़ चुकी है बिल्कुल। मेरी शक्ल को छोड़ने भी फिलहाल, ये चेक करें ज़रा ये शूज़, यार हद हो गई है। बट ये है कि भाई इधर तो प्राइस बहुत बता रहे हैं, बाहर तो कहते हैं आ जाओ 300-300, 350-350 में ले जाओ, बट इधर ये तो फुल शूज़ मार्केट है भाई। जिसने जो से शूज़ लेने हैं, हर तरह के इंपोर्टेड शूज़, ये वो फलाने फुल यो माहौल करके मिल जाएंगे। ये देखो कैजुअल शूज़ और ये क्या कहते हैं ड्यूटी पे जो पहनते हैं शूज़ वूज़, छेड़ियाँ। ओह है बंदा इधर आए ना तो बंदे के पास तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये हो, सिर्फ शूज़ लेके जाए, आए है फुल यो माहौल। ये पीस चेक करो, आपको यूनिवर्सिटी में देखने को बहुत मिलेगा, ये पीस पहना होता है अक्सर वहाँ में। बट ये कि जोगर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेवल पड़े हैं। मुझे अपने लिए जिम के लिए बस जोगर्स वगैरह ही चाहिए होते हैं, शॉर्ट्स चाहिए होते हैं और ट्राउज़र्स चाहिए होते हैं। तो मैं मोस्टली जो है ट्राउज़र्स, शर्ट्स और जो होते हैं जोगर्स वगैरह होते हैं, मैं वो लेता हूँ बस। Few moments later. शॉर्ट्स किधर हैं शॉर्ट्स? ओ भाई बीच में आगे बची जा रहा है यार, शॉर्ट्स लेने यार पहले तो इधर। ओह माय गॉड, विल मेरे काम की चीज़ मुझे मिल गई है यार। ये चेक करो ज़रा, ये देखो जिम बॉयज़ का क्या है, उनको ये चाहिए होती है, सैंडोस चाहिए होती हैं उनको, ठीक है, उनको जोगर्स चाहिए होते हैं, उनको शर्ट्स चाहिए होती हैं। पहुँच गए भाई, सप्ताह करते हैं क्या सप्ताह भाई जान, किमें लाई हैं सैंडो, किस तरह लगाई हैं भाई यार। ये देख करो, इसमें ब्लैक कलर में मिल जाए ना, लेवल हो जाएगा यार। आगे पसीना पसीनी हो जाती शर्ट्स मेरी, जब मैं जिम में होता हूँ ना, जैसे अभी पसीना ना, इससे डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा पसीना होता है। सैंडो को बताना यार, सैंडो कितने की? सैंडो 550 होगी और ब्लैक कलर में पड़ी। हालों पे हाल हो गया बंदा, ये गर्मी है ऐसे फुल, बंदे को निचोड़ी पड़ी है, काम खराब हुआ पड़ा है। ट्राउजर्स देख रहा हूँ मैं, मैंने कहा ट्राउजर्स ले लूँ जिम के लिए। सैंडो मैंने एक पकड़ लिया वहाँ से ही, नहीं ट्राउजर्स डन हो गए। भाई का बहुत शुक्रिया, ठंडा पानी पिला दिया भाई ने। भाई कहता कि यार गर्मी बहुत है, लड़ के ट्राउजर लिए, दे ही नहीं रहा था, 1 रुपया नहीं कम किया इस भाई ने। पर कहता यार पानी मेरी तरह से ले लो, पानी पी लो, आप याशी करो, बहुत गर्मी लगी इंतहा की, और टाइम भी पूरा हो, बस मैं निकलने लगा हूँ अभी के लिए। ऐसे ना हो कि भाई बस ही छूट जाए, उधर 2700 की टिकट है, इधर 800 के ट्राउजर के पीछे बस छूट जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है ब्रो। इट्स एंड गर्मी कि मेरा बालों में हाथ मारने का भी दिल नहीं कर रहा। यकीन करें अभी मैं बस बाज़ार से निकला हूँ, टाइम 12:04 हो गए हैं और 1 बजे फैसल मूवर्स का टाइम है और मैं जनाब साहब अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैंने जाना है, मैंने जाके जल्दी से बैग पैक करना है, बैग उठाना है और फिर टर्मिनल पे पहुँचना है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं अब आपको मिलता हूँ टर्मिनल पे। ओके गाइज, मी एट फैसल मूवर्स। ठीक है, पानी भरने जा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए। गर्मी इंतहा की यार, मैं कहता हूँ जितना छुट्टियाँ हुए रह गए, बंदे ने अपना सेट किया था अपने आप को, सारा बेड़ा गर्क हो गया है। पानी भरने जा रहा हूँ यार, वाटर टैंक देख रहा हूँ पानी वगैरह किधर मिलेगा। ओ देखो बसें भाई जुड़ी जुड़ के खड़ी हुई हैं आपस में, दलील हो गई भाई साहब। फाइनली एसी के नीचे जगह मिल गई है। ठीक है, आके वेटिंग रूम में बैठे हुए, पता नहीं हमारी बस कब लगेगी, लगती तो एसी में जाके इस बस में बैठते हैं। अभी मैं लड़के हटाऊँ इनसे, मैं रख नहीं रहे। हाँ हो गया, मैं लड़के हटाऊँ अभी भी यार, हद होगी कसम से, रख ही नहीं रहे सामान मेरा। कब से खड़े हैं, जितना मैं कह रहा हूँ लेट हो रही है उतना ही और देर करी पड़े हैं। अब रख दिया सामान, हम जा रहे हैं अंदर। चल यार चल, आके बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी कही जीने के बड़ी औखी सीट ना मिल रही है, पहले अब सीट मिली है। यहाँ पर डब्बे में देखेगी कुछ खाना छाना क्या है, लेज है और क्या बिस्किट विस्किट है कुछ, ये सीन है। अभी हम लोग रुके हैं रेस्ट एरिया पे। ठीक है, ये हमारी बस थी, रेस्ट एरिया पे रुके हैं। कहाँ पे हैं ये पता नहीं यार, हम ना कोई हैं किसी रेस्ट एरिया पर और इस टाइम लिटरली ये बारिश हो रही है। ठीक है, फिर मेरे हाथों पे पता नहीं लगेगा कि नहीं पता लगेगा। वेल अभी हम रेस्ट स्टेशन पे थे, अभी उतर के थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए हैं, सही है। उसके बाद अभी यहाँ से कुछ खाने वगैरह के लिए लेते हैं क्योंकि नाश्ता ही किया हुआ है। टाइम तकरीबन क्या हो गया, बस मैं अभी मुँह धोने गया था, घड़ी भी मेरे पास ही है, तो टाइम हो गया तकरीबन 4:20। बारिश हो रही है यार, बड़ा हैवी सीन हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, हैवी हो गया। बस यहाँ से निकलते हैं, वो कह रहा है कि जल्दी जल्दी से ना कैंटीन से कोई ना कोई चीज़ ले ले, सही है। और बिरयानी वो ले लेता है, सरमद ले लेता है और मैं कैंटीन से कोई ना कोई चीज़ ले पकड़ के ऐसी करते हुए वापस चलते हैं कंट्रोल। वेल ये भी बिरयानी ली थी हमने और यहाँ से कुछ लेज वगैरह पकड़े हैं, ये हम बस में बैठ के खा लेंगे। और अभी बिरयानी साहब चिके पड़ी हैं इधर ही, चिकन अंदर जाके बोतल पियेंगे। मौसम बड़ा हैवी हो गया, बारिश स्टार्ट। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। फाइनली गाइज मैं अपने सिटी पहुँच चुका हूँ। ठीक है, और टाइम इस टाइम हो चुका है 8:40। ठीक है, और तकरीबन 6-6.5 घंटे का सफ़र था, बट अभी मैं पहुंच चुका हूं। और आई होप तो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मार देना। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।